हेलो, वेलकम माय चैनल स्किल नॉलेज। आज का जो मेरा टॉपिक है एक्सेल में, वो है कुछ फार्मूलाज पे, जैसे इंटीजर है, मॉड है, प्रोडक्ट है। इंटीजर का वर्क है पॉइंट के बाद का कोई भी नंबर ये अलाउट मतलब नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। मॉड है यानी रिमाइंडर के लिए यूज होता है, जैसे अगर हम कोई डिवाइडेशन कर रहे हैं तो उसमें कोई नंबर बच रहा है रिमाइंडर में तो मॉड में आ जाता है, तो जो भी नंबर बचा रहेगा तो वो उसके लिए मॉड रखा है। इसके बाद प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इन सबका वर्क हम करेंगे कैसे वो हम दिखाते हैं आपको। जैसे इन सबको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल int ब्रैकेट ओपन, ओके, नंबर दिया मैंने 55.4, ओके, ब्रैकेट को क्लोज किया, इंटर किया। देखिए एक्चुअल हमें एक्चुअल नंबर दे दिया, ये 55.4 लिखा था मैंने, लेकिन इसने मुझे 55 रिटर्न किया। फिर इसके बाद है आपका इक्वल मॉड MOD, ब्रैकेट ओपन किया, ओके। इसके बाद मैंने मान लीजिए 13.2, ओके, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, देखिए 1 बचा, ओके। इसके बाद आता है प्रोडक्ट इक्वल PROD UCT, ओके, प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन किया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें नंबर देंगे, मान लीजिए मैंने 2 6 दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, तो 6 12, देन एंटर, ओके, एंटर किया। तो इस तरीके से मतलब हम इस तरीके का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। इंटीजर है, अमाउंट है, प्रोडक्ट है, तो अलग मैंने बताया, अभी आप देखेंगे अभी तो सारे फार्मूले फार्मूला बार में शो कर रहे हैं, ओके, इस तरीके से, ओके। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।